पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मैचों से बाहर रहने का निर्णय लिया गया है इस सूचना की पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा की गई है वह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मैचों से बाहर हो गए हैं यानी उन्होंने शुरुआती दो मैच नहीं खेलने का निर्णय लिया है विराट कोहली ने व्यक्तिगत कारणों के चलते इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आगामी टेस्ट सीरीज़ के पहले दो टेस्ट से हटने का अनुरोध किया है विराट ने कप्तान रोहित शर्मा टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं से संपर्क किया है कोहली ने इस बारे में जोर दिया है कि देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है बीसीसीआई पूर्व कप्तान विराट कोहली के निर्णय का सम्मान करता है बोर्ड और टीम प्रबंधन ने इस समय पर स्टार बल्लेबाज के समर्थन का अभिवादन किया है और टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर टेस्ट सीरीज में सराहनीय प्रदर्शन करने का पूरा यकीन रखा है उन्होंने अपने बयान में जोड़ दिया बीसीसीआई मीडिया और प्रशंसकों से अनुरोध करता है कि वे विराट कोहली की गोपनीयता का सम्मान करें और उनके व्यक्तिगत कारणों की प्रकृति पर टीका नहीं लगाएं हमें आशा है कि आने वाली टेस्ट सीरीज में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए विराट के रिप्लेसमेंट का निर्णय जल्द ही होगा और उसकी जगह का ऐलान किया जाएगा